जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बनाया है मैंने ऑटोमेटिक पावरफुल स्क्रू ड्राइवर घर की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खोलने के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप चलो शुरू करते हैं कि कैसे ये बनाते हैं। पहले एक पीवीसी पाइप का टुकड़ा लेंगे, उसको मार्कर के जरिए मार्किंग कर लेंगे, उसको अच्छे से सिमेट्रिकली काट लेंगे एक्सो के जरिए। जी हाँ दोस्तों, एक्सो के जरिए अपने को काटना है। जो रिवर्स और फॉरवर्ड बटन आते हैं उसके लिए हमें जगह बनानी है पाइप पीवीसी पाइप के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, कटर हम कटर लेंगे, कटर को लाइटर के ऊपर गर्म कर लेंगे और फिर पीवीसी पाइप के ऊपर घुमाएंगे। आपको एकदम मक्खन की तरह पीवीसी पाइप कटने में सहायता होगी, क्योंकि गर्मी प्लास्टिक को एकदम काट देती है, एकदम पिघला देती है। जहाँ उसको कैसे छेद किया मैंने बटन के लिए आप देख सकते हैं। हमने वो जगह बनाई है उसके लिए हम फाइल कर लेंगे, ताकि कोई बर ना रहे और हमारे बटन एकदम आसानी से बैठ सके। जी हाँ, बटन पे फेविक्विक डालना है। फेविक्विक डाल के दो बटन ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको चिपकाने होंगे, क्योंकि वहाँ पे एकदम आपको पकड़ मिलेगी और बटन भी अच्छे से बैठेंगे पीवीसी पाइप के ऊपर। आपको एक फोम का टुकड़ा कट करना है पीवीसी पाइप के आकार का, गोल सर्कल में एकदम, क्योंकि उस पर बैठ सके वो। हमने फोम शीट के ऊपर जो सर्कल बनाया है उसे कटर के जरिए एकदम स्मूथली काट देंगे, एकदम सर्कल में काट देंगे, ताकि वो सर्कल हमारे पाइप में बैठ सके। जी हाँ दोस्तों, कैसा सर्कल बनाया मैंने वो आप देख सकते हैं। कटर के जरिए मैंने सर्कल बनाया है, तो उसे हम पाइप में रख कर देखेंगे कि एकदम सही बैठता है। जी हाँ, हमारा एकदम सही बैठ रहा है। अभी आपको सर्किट समझाता हूँ, दो बटन में रिवर्स और फॉरवर्ड कैसे चलते हैं। एन सी का मतलब है प्लस, दोनों एन सी एक करने बटन के, फिर एन जीरो को लेना है, दोनों एन जीरो को एक करना है दो वायर के जरिए, और उसको माइनस के, बैटरी माइनस के ऊपर लेके जाना है। आखिर में हमारा सी बच गया, सी यानी कि कॉमन। कॉमन को मोटर के प्लस में लगाना है एक को, और दूसरे को माइनस में लगाने का है। इससे हमारा सर्किट पूरा हो जाता है। उसके बाद जो एक्चुअल बटन है उसको हम वायरिंग सर्किट के हिसाब से करेंगे। शोल्डर गन और शोल्डर पेस्ट के माध्यम से उसे शोल्डिंग करेंगे, अच्छे से शोल्डिंग करना है, ताकि वो दोबारा परेशानी ना दे हमको। बस हमारा सर्किट यानी कि बटन का वायरिंग पूरा हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें एक मोटर लेना है 12 वोल्ट का, जिसका आरपीएम 200 हो। जी हाँ दोस्तों, गियर वाला मोटर आता है, उसको लगाएंगे हम पेन का बॉडी। कटर के जरिए पेन का बॉडी एकदम जितना लगता है उतना कट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लेंगे जो स्क्रू ड्राइवर का आगे का जो आता है, वो मेरे पास भंगार में पड़ा था तो मैंने उठा लिया, और जो पेन की बॉडी आते है उसमें डाल के देखेंगे, लेकिन लूज बैठता है, उसको हम टेप के जरिए थोड़ा सा कोटिंग देंगे, ताकि हमारा पेन का बॉडी एकदम उसमें सटीक बैठ जाए और हिले ना। एकदम फिट बैठने के कारण वो हिल नहीं सकेगा और हमारा जुगाड़ सक्सेस हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने टेप लगाकर पेन की बॉडी बैठा दी और ज़ोर से मारकर उसे एकदम फिट कर दिया। उसके बाद वही प्रोसेस हमें दोहराने की है मोटर पे। जो दूसरा सिरा आता है पेन के बॉडी का, उसको भी हम जो मोटर लिया था 12 वोल्ट का, उस पर हम बैठा देंगे। आप देख सकते कि कैसे मैंने लकड़ी के डंडे से मार मार कर उसे फिट कर दिया है। इससे हमारा स्क्रू ड्राइवर का आगे का आगे वाला हिस्सा एकदम सही तरीके से बन गया है। देखो ऐसे वो एकदम सही तरीके से चल भी रहा है, वर्किंग कर रहा है। उसके बाद हम जो अपना पीवीसी पाइप है उसको रेड कलर देंगे, ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे। रेड कलर देकर हो चुका है, सूख गया है वो। फिर वायरिंग को अंदर डाल लेंगे, जो पुश बटन आते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड के, उसको भी अंदर डालेंगे। 9 वोल्ट की जो बैटरी आती है उसको फिट कर लेंगे, और जो अपने पास फेविक्विक है, फेविक्विक के माध्यम से हम बटन को एकदम फिट कर देंगे, ताकि वो मिसप्लेस ना हो जाए उधर से। बाद में देखिए एकदम सटीक तरीके से मैंने पुश बटन बैठा दिए। उसके बाद जो फोम का टुकड़ा आता था काटा हुआ सर्कल में, वो भी मैंने पीछे से बैठा दिया। अब
टाइम है मोटर फिट करने का, उसके पहले जो दो पॉइंट निकल लेते मोटर के लिए कॉमन वाले, हम उसे शोल्डरिंग कर लेंगे मोटर को। मोटर को शोल्डरिंग करने के बाद अच्छे से शोल्डरिंग करना है, उसको पीवीसी के पाइप में डाल देंगे। हमारा मोटर पीवीसी पाइप में एकदम फिट बैठ गया है, उसको फेवक्विक लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए रिवर्स और फॉरवर्ड भी काम कर रहा है एकदम सही तरीके से। अभी हमें डेमो देने का टाइम आ गया है, तो हम आगे का जो स्क्रू खोलने वाला जो नोक है उसे लगा लेंगे उसके ऊपर। और मैं आपको बताता हूँ कैसे मोबाइल के स्क्रू खोलने हैं और एकदम सही तरीके से खोले जाते हैं ये स्क्रू ड्राइवर से। एकदम वर्किंग में एकदम सही वर्किंग कर रहा है, मुझे तो एकदम खुशी हो गई दोस्तों कि मैंने खुद ये बनाया है। आप भी घर पर बना के देख लीजिए, देखिए कैसे एकदम सही तरीके से खोल भी दिया और फिट भी कर लिया। तो देखिए एकदम उसे टाइम भी कम लगता है स्क्रू खोलने में। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर मेक इन इंडिया पे हम लोग फोकस करेंगे तो फ्यूचर में बहुत आगे जाएंगे और चाइना के साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि आजकल हम ये चीज़ें बहुत कम बनाते हैं, इसलिए हम पीछे रह चुके हैं। हमें इस छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना होगा और उसे मेक इन इंडिया करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और लाइक और कमेंट कीजिए, कमेंट और सजेशन दीजिए मुझे अगली चीज़ में क्या बनाऊँ कि आपके काम आए और सारे इंडिया के काम आए। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद।